पढ़ाई तो क्लास का हर स्टूडेंट करता है, लेकिन टॉपर वही स्टूडेंट बन पाता है जो चालाकी से पढ़ता है। चालाकी यानी स्मार्ट वर्क करता है, हार्ड वर्क नहीं। आपने ऐसे कई स्टूडेंट्स को देखा होगा, या शायद आप खुद उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक होंगे जो पढ़ते तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा नंबर नहीं स्कोर कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब है चालाकी। जी हाँ, आपकी क्लास का टॉपर स्टूडेंट जाने या अनजाने में चालाकी करता है, चालाकी से पढ़ता है, जिसके चलते वो ज्यादा नंबर ला पाता है। नो डाउट, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन उसका मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम रिजल्ट तभी आ पाएगा जब आप पढ़ाई करने के तरीके में चालाकी लाओगे। तो अगर आप भी एक चालाक, चतुर, ब्रिलियंट स्टूडेंट बनना चाहते हो, कम पढ़कर एग्जाम में ज्यादा नंबर लाना चाहते हो, एग्जाम में टॉप करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, नो योर सिलेबस। चालाकी से पढ़ने का पहला स्टेप है अपने सिलेबस को जानना, समझना। जी हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, बिना एग्जाम पैटर्न जाने, बिना अपने सिलेबस को समझे पढ़ना शुरू कर देते हैं, और बहुत बार बाद में पता चलता है कि जिस चैप्टर पर या जिस टॉपिक पर आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे वो केवल 2 या 3 नंबर का है। वहीं दूसरी तरफ आप उतना ही टाइम किसी दूसरे चैप्टर पर देते जो इजी है और ज्यादा मार्क्स का है, तो आपको बहुत फायदा होता है। और यही है चालाकी से पढ़ने का पहला कदम। आपको अपने सिलेबस का अच्छे से एनालिसिस करना है, देखना है कि कौन से चैप्टर्स, कौन से टॉपिक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो रैपिडली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और ये काम करने में आपकी प्रीवियस ईयर्स के पेपर बहुत मदद करेंगे। तो 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपकी स्टडी टेबल पर होने ही चाहिए। देखो कौन से क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग तैयारी करो। एक लाइन बोलता हूँ, ध्यान से सुनना। क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी ये पता करना है कि क्या छोड़ना है। नंबर 4, वैल्यू योर टाइम। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, और वो गलती है समय को हल्के में लेना। अगर आप समय को हल्के में लेते हो ये सोचते हुए कि अभी तो मेरे पास बहुत सारा टाइम है, मैं कल से कर लूंगा, कल से पढ़ लूंगा, इन शॉर्ट अगर आप कल में जीते हो तो लिखवा के ले लो, आप कभी टॉपर नहीं बन सकते हो। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ते होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जो एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ते होंगे। दरअसल जब आपके पास एग्जाम के 6 महीने होते हैं, यानी 6 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आप पढ़ाई को टालते रहते हो ये बोलकर कि अभी 6 महीने हैं, मैं बाद में पढ़ लूंगा, कल से पढ़ लूंगा, और जब 1 या 2 महीने बचते हैं तो आपकी हवा टाइट होने लगती है। इसीलिए अभी से पढ़ो, एग्जाम के 1 दिन या 1 महीने पहले पढ़ने वाले स्टूडेंट मत बनो। अभी से, आज से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और रोज पढ़ो, और खुद में और भगवान में विश्वास रखो, और अपने दिन का कुछ टाइम भगवान की, या आप जिसे भी मानते हो, उसकी आराधना करने में दो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है मंदिर जाने का या पूजा पाठ करने का, तो मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। द सोल्यूशन इज श्री मंदिर ऐप। जी हाँ, श्री मंदिर ही एकमात्र ऐसी ऐप है जिसमें आप एक वर्चुअल मंदिर एस्टैब्लिश कर सकते हो। इस ऐप में आप जिन भी भगवान में आस्था रखते हो, उन भगवान का एक मंदिर स्थापित कर सकते हो। इसके अलावा इस ऐप में मंत्र वगैरह भी दिए गए हैं, जिन्हें सुबह सुबह आप सुनकर अपने दिन की एक शानदार शुरुआत कर सकते हो। और साथ ही इसमें वीडियो कॉन्टेंट लाइक रामायण, विष्णु पुराण और महाभारत भी है, और कुछ अच्छे शुभ संदेश भी, जिन्हें आप अपने चाहने वालों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो। मोर ओवर इसमें पंचांग भी दिया गया है, जिससे आपको सिर्फ तारीखों के बारे में ही नहीं, बल्कि राहु काल, हॉरोस्कोप, कुंडली, हर चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, अभी जाओ और इस ऐप को डाउनलोड करो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3, टू लर्न यू हैव टू टीच। सीखने के लिए आपको पढ़ाना होगा। दोस्तों, कोई चीज आपको कितनी अच्छी से समझ आई है ये पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप सामने किसी व्यक्ति को वो चीज एक्सप्लेन करो, क्योंकि एक्सप्लेन करने से पहले आप उस चीज को अच्छे से समझते हो, अपने ब्रेन में अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो। मान लो आप मैथ्स का कोई चैप्टर सीख रहे हो, उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया, तो अब बारी आती है टेस्ट करने की कि आपको कितना समझ आया। इसके लिए आप सिंपली अपने किसी दोस्त को, जिसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, उसको वो चैप्टर पढ़ा सकते हो। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं या नहीं। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली, इट मींस यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ। अगर आपको कोई चीज आती है लेकिन आप उसे दूसरे को अच्छे से ना समझा पाओ, तो इसका मतलब है कि आप अभी भी उसे अच्छे से नहीं सीखे हो, आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। नंबर 2, रिविजन। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते।
मैं पढ़ा हुआ भूल जाता हूँ, एग्जाम में पढ़ी हुई चीजों को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि मैं एग्जाम में फोड़ दूंगा। इन सभी चीजों का एक ही कारण है, रिविजन। पढ़ाई करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है पढ़ी हुई चीजों का रिविजन करना। दोस्तों, एक साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार 24 घंटे बाद पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन का 70% पार्ट भूल जाता है, इसीलिए रिविजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो, ऑलवेज रिमेम्बर, रीड वन बुक मल्टीपल टाइम्स रादर देन रीडिंग 10 बुक्स वन टाइम। नंबर 1, टेस्ट योरसेल्फ। दोस्तों, एक और सबसे बड़ी गलती जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं वो है टेस्ट पेपर या सैंपल पेपर को सॉल्व ना करना। जी हाँ, टेस्ट पेपर सॉल्व करके आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तो आपको गलतियों का पता चलेगा, टाइम मैनेज कैसे करना है इसका भी आइडिया होगा, एंड सो मेनी थिंग्स। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने सैंपल पेपर सॉल्व नहीं किए तो एग्जाम में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे टाइम मैनेज करना, और हो सकता है कि आपका पेपर छूट जाए। तो टाइमर लगाइए और पेपर सॉल्व करिए, आपको पता चलेगा कि आप गिवन टाइम में पेपर को सॉल्व कर भी पा रहे हो या नहीं। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको श्री मंदिर ऐप के बारे में याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आप एक वर्चुअल मंदिर स्थापित करना चाहते हो तो इस ऐप को डाउनलोड जरूर करना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब बारी है वीडियो को सम अप करने की। अपने सिलेबस को अच्छे से समझो, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर ज्यादा नंबर का है, ये पता लगाओ। खुद पढ़ो, दूसरों को पढ़ाओ, अपने टाइम की वैल्यू को समझो, डेली टारगेट सेट करो, उनको अचीव करो, कोई भी काम कल पर मत टालो, एंड एट द लास्ट सेल्फ इवैल्यूएशन करो, पेपर्स को सॉल्व करो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ऐसी ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।